सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टॉपिक जेनसेन मेजर। जेनसेन मेजर इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ए बी सी एंड मार्केट इंडेक्स। वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द रिटर्न ऑफ मार्केट। एंड इन जेनसेन मेजर वी आर यूजिंग सी ए पी एम फॉर्मूला, कैपिटल असेट प्राइजिंग मॉडल फॉर्मूला, विच इज आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न विद सी ए पी एम मॉडल। पोर्टफोलियो ए सी ए पी एम इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, दैट इज आर एफ इज 8, रिस्क फ्री रिटर्न ऑन ट्रेजरी बिल इज 8, प्लस बीटा 1.2 इंटू आर एम रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स दैट इज 13। यहाँ पे दिख रहा है 13 मार्केट इंडेक्स के बाजू में, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 13 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, 8 प्लस 1.2 इंटू 13 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 14%। एट प्लस 1.2 इंटू 13 माइनस 8 14%। सेकेंड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बी सी ए पी एम इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, 8 प्लस 0.8 ब्रैकेट रिटर्न ऑन मार्केट 13 माइनस आर एफ 8 13 माइनस 8 कॉमन रहेगा रिटर्न ऑन मार्केट एंड ट्रेजरी बिल रिटर्न। बीटा चेंज हो जाएगा, हर स्टॉक का बीटा अलग से दिया हुआ है, ये बीटा है, ए का 1.2, बी का 0.8, सी का 1.5 और मार्केट इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 होता है। रिटर्न ऑन मार्केट अगर लेना है तो 13 आएगा और ट्रेजरी बिल चाहिए अगर रिटर्न तो 8 आएगा, 13 माइनस 8 ब्रैकेट में, ओके 5, 13 माइनस 8 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से 1.2 प्लस रिस्क फ्री रिटर्न। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 5 इंटू 1.2 6 आएगा, ठीक है 5 इंटू 1.2 6, 6 प्लस 8 14। पोर्टफोलियो ए का सी ए पी एम रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेटेड विद सी ए पी एम मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज 14%। ओके नोट डाउन।
सेकंड का करो पोर्टफोलियो बी का, सेकंड का पहले लेना है 8 CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, 8 प्लस 0.1 0.8 इंटू 13 माइनस 8, 13 आपका मार्केट इंडेक्स है, 13 माइनस 8, ठीक है, 13 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज 5, 5 इंटू 0.8 4, 4 प्लस 8 12, पोर्टफोलियो बी का हो गया। अभी सी का करेंगे, नोट डाउन एवरीबडी। थर्ड पोर्टफोलियो सी, पोर्टफोलियो सी CAPM आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, एक्सपेक्टेड रिटर्न वी आर कैलकुलेटिंग दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न 8 ट्रेजरी बिल रिटर्न, बीटा देखो यहाँ पे सी का बीटा दिया है 1.5 1.5 लिया इंटू ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 8, 5 इंटू 1.5 5 इंटू 1.5 7.5 आया, 7.5 प्लस 8 15.5 15.5% पोर्टफोलियो सी। अब ये हमारा कैलकुलेटेड रिटर्न है, आपने कैलकुलेट किया तो इसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड रिटर्न। क्वेश्चन में अभी ये समझ में आया, आपने कैलकुलेट किया ना कैलकुलेटेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी क्वेश्चन में कुछ रिटर्न्स दिए हैं उससे कंपैरिजन होगा, ये रिटर्न्स दिए हैं पोर्टफोलियो के एक्चुअल रिटर्न्स हैं ये। ए का रिटर्न आता है 15%, बी पोर्टफोलियो इज गिविंग 12%, सी पोर्टफोलियो इज गिविंग 16%, ठीक है। तो 15 में से 14 माइनस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, जेंसन का फॉर्मूला, जेंसन मेजर इज इक्वल्स टू आरपी माइनस कैलकुलेटेड रिटर्न्स, आरपी दैट इज एक्चुअल रिटर्न। आरपी के मतलब क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस कैलकुलेटेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न्स एंड द कैलकुलेटेड रिटर्न्स। 15 गिवन इन द क्वेश्चन, 15 माइनस 14 दैट इज 1%, वी वर एक्सपेक्टिंग 14 बट वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा 1% फ्रॉम द पोर्टफोलियो ए। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन 14 था लेकिन रिटर्न्स हमें ए पोर्टफोलियो का 15% मिला। सेकंड, बी पोर्टफोलियो में आप देखेंगे रिटर्न है 12%, दिखा क्वेश्चन में द एक्चुअल रिटर्न्स आर 12 एंड द कैलकुलेटेड रिटर्न इज आल्सो 12, यानी जितना हमें चाहिए था उतना ही रिटर्न्स मिला है, 12 माइनस 12 जीरो, रैंक 3, ठीक है। नेक्स्ट सी पोर्टफोलियो, सी पोर्टफोलियो में 16 है, 16 तो क्या आएगा, 16 माइनस कैलकुलेटेड रिटर्न 15.5। यहां पे देखो सी का आपने कैलकुलेट किया है 15.5, क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न दिया है 16, यहां पे देखिए 16 माइनस 15.5 इज इक्वल टू 0.5, यानी 0.5 ज्यादा रिटर्न मिला हमें, हमने एक्सपेक्टेशन किया था 15.5, हम लोगों को 16 रिटर्न मिला है। अभी रैंकिंग के हिसाब से जाएं सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न पोर्टफोलियो ए में दिया है 1% एक्स्ट्रा रिटर्न, तो फर्स्ट रैंक।
सी पोर्टफोलियो सेकेंड रैंक 0.5% एंड थर्ड रैंक 0%। पोर्टफोलियो ए रैंक्स फर्स्ट, पोर्टफोलियो सी रैंक्स टू सेकेंड रैंक, पोर्टफोलियो बी रैंक्स थर्ड एज पर जेनसेन डिफरेंशियल मेजर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।